नमस्कार, आप देख रहे परमार्थ आवाज। दीक्षा पत्नी विशाल यादव निवासी महमदपुर कामराज थाना नवाबगंज फरुखाबाद ने दिनांक 6 जून को तहरीर दी कि लगभग 2 बजे बाद ही अपने घर पर अकेली थी। उसी समय बिजली विभाग नवाबगंज पर तैनात मीटर रीडर नीरज कुमार मेरे दरवाजे पर आए तथा गेट खोलने के लिए कहा, तो मैंने घर पर किसी व्यक्ति के न होने का हवाला देकर गेट खोलने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर उक्त मीटर रीडर नीरज आग बबूला होकर बादनी को गाली गलौज देने लगे। बादनी ने उक्त पूरे प्रकरण की जानकारी अपने पति विशाल यादव को फोन पर दी, जो किसी आवश्यक कार्य से फरुखाबाद गए हुए थे। उक्त दबंग मीटर रीडर ने फोन पर अपने साथियों को सूचना दी। कुछ समय बाद सूचना पर आवर अभियंता सुधीर कुमार एवं आवध प्रताप TG2 लाइनमैन मुकेश कुमार एवं विवेक कुमार पुत्र दीप सिंह उक्त दबंग लोग जबरन मेरे घर में घुस आए और बादी के साथ गाली गलौज करने लगे। छेड़छाड़ का प्रयास भी किया, जिसका वादिनी ने विरोध किया, जिस पर दबंग मीटर रीडर नीरज कुमार व अवर अभियंता सुधीर कुमार मारपीट करने लगे। आइए सुनते हैं इस पूरी घटना को पीड़िता की ही जुबान से। आपका नाम? आपके पति का नाम? कहाँ की निवासी आप? थाना कौन सा लगता है? आपकी समस्या क्या है? ऐसा था, 6 तारीख की डेट में वो मीटर रीडिंग निकालने वाला आया था। हाँ, तो हवा आ रहे थे तो उसने बगैर आवाज़ के अंदर घुस गया। तो हमने कहा हस्बैंड आ जाए, तो जब आना मतलब आपको जो करना है जानकारी लेना है, काम करना, उसके बाद पत्नी जी स्टार्ट कर दी। हाँ, ये करेंगे वो करेंगे गाली गलौज। तो उसके बाद मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, हस्बैंड आए। हस्बैंड आने के बाद हस्बैंड ने उस लड़के से बात की। बात करने के बाद करीब 1 घंटे बाद उस लड़के ने देव को फ़ोन किया, सुधीर कुमार। तो वो आया, वो पूरी गाड़ी लेके आ गया घर में, मतलब सबों से बदतमीजी करने लगा। मम्मी दीदी भाभी सब लोग थी, मतलब बहुत बदतमीजी करने लगा। कपड़े अपने भी दीदी के बाहर डाले, ये करेंगे वो करेंगे, तुझे जो करना है कर डाल, मतलब इतनी हिम्मत की जो कपड़े तक भी फाड़ दिए। बहुत मतलब उसे उसने अपनी धमकी दी कि तुझे जो करना है तू कर ले। हमारे घर में कोई जेंट्स था नहीं। तो हमारे विवेक कुमार है, और आज ही मौका है जो करना है कर। तो पत्नी जी की सारी आप खाने गई थी? शाम को करीब 5 बजे क्या नाम, फिर थाने फोन किया, कोई कार्रवाई नहीं। शाम को 6:30 बजे एक बार पुलिस की गाड़ी आई। फिर नाइट में 9 बजे हमारे यहाँ पुलिस ने दबिश डाली। आपके यहाँ दबिश क्यों डाली? हमारे हस्बैंड, पता ही नहीं था मुझे क्यों दबिश डाली। हमारे हस्बैंड को ले आई पुलिस, बहाना करके फोन किया एक करोड़। तो ये तो 12 बज के 12 बजे तक नाइट में मैं यही थी। थाने में उसके बाद मैंने करतारजी को फ़ोन किया, करतारजी ने कहा कि बात कराओ, यहाँ कोई था ही नहीं, ये सब जाके अपने रूम में सो गए। एक मुंशी जी थे, करतारजी ने उनसे बात की तो उन्होंने उस टाइम बताया कि इनके ऊपर मुकदमा हो चुका है। मुझे जानकारी नहीं थी, मैं जीत कर रही थी कि आज उनको साथ लेके जाऊँगी। नाइट में 12 बज गए। तो जब कप्तान जी से बात हुई तो कप्तान जी को उस मुंशी जी ने बताया क्या नाम इनके ऊपर मुकदमा हो गया। मैंने पूछा भाई किस बात का, कि वो बिजली वाले मीटर को लेकर। तो मैंने नहीं, जो आपने पुलिस को एप्लीकेशन दिया है उसमें कोई कार्रवाई हुई जी और मीटर रीडिंग वाले पे? कोई कार्रवाई नहीं हुई, मतलब कप्तान साहब से बात होने के बाद भी मतलब उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कप्तान साहब से भी बात हुई, DM को भी मैं लेके आई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके पास थाने में जाते हैं तो साहब के पास सुबह शाम करके मुझे डरा देता है कि ना होगी, आज होगी, कल होगी, आज होगी, कल होगी।
मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक ठीक। फरुखाबाद वाइस स्टेट ब्यूरो अनिल मिश्रा की विशेष रिपोर्ट।